दुनिया के हर आज़ाद इंसान के लिए इमाम नमूना है, जो आज़ाद है और जो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसीलिए हर आज़ादी के अलम्बरदार ने इमाम को अपना आइडियल बनाया है, या जनाब अली असगर को। हिंदुस्तान के रहबर गांधी जी ने भी यही कहा कि आज इस्लाम तलवार की ज़ोर से नहीं फैला है, इस्लाम हुसैन की कुर्बानी के नतीजे में फैला है। एक ईसाई, एक क्रिश्चन ने अपनी किताब में लिखा कि अगर हमारे पास भी इमाम हुसैन जैसे कुर्बानी देने वाले रहबर होते तो आज पूरी दुनिया ईसाई होती। ये मैसेज है इन आज़ाद इंसानों के लिए कि इमाम ने करबला से जो मैसेज दिया कि अगर कोई आज़ाद पसंद है, आज़ादी से रहना चाहता है, तो उसके लिए उस आज़ादी पे, यानी उस आज़ादी के लिए लाजिम नहीं कि उसकी तादाद बड़ी हो तब वो मुकाबला करे जुल्म का, आज़ाद ज़िंदगी के लिए। नर्सल मंडेला अफ्रीका के आज़ादी के अलम्बरदार, उनका कहना था कि मैं जेल में था, जेल के अंदर 20 साल का अरसा गुजरा मेरा। मैंने एक दिन सोचा कि लाओ मैं जालिम हुकूमत के सामने घुटने टेक दूं या ये कहा जाए कि जो वो कहता है उस पर इम्जा कर दूं। फिर रात में मुझे अचानक याद आया कि इमाम हुसैन ने सिर्फ 72 का लश्कर लेके यजीद जैसे 30 से 50,000 के लश्कर का मुकाबला किया और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। फिर मैंने वो जहन से ख्याल निकाल दिया कि नहीं, यानी हुसैन पूरी दुनिया, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के गोशे गोशे से हर मज़हब के मानने वाले इस हुसैन के दरवाजे पे आते हैं, और आते वहीं हैं जहां मिलता है, जो जिस इरादे से आता है उसको वो चीज़ मिलती है यहां से। हर एक अपने अपने मिजाज और अपने अपने ख्वाहिश के मुताबिक यहां से पाता है और ले के जाता है, इसलिए इंसान उसी दरवाजे पर जाता है। फ़कीर को भी आप देख लीजिए, फ़कीर उसी दर पर जाएगा जहाँ कुछ मिले। एक बार दो बार किसी दुकान पे जाए और उसको वापस कर दिया जाए तो तीसरी बार वहाँ नहीं आता है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, सिर्फ जज्बात नहीं है, ये यहाँ से मिलता है जो दुनिया के कोने कोने से। और फिर दूसरी बात जो साहब के आपने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, अभी जैसे जैसे बेदारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग जगते जाएंगे, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। Manzar-e-Zuhra, ay-e-Mehr-e-Mashriq-e